तो नरेंद्र मोदी की एक बार फिर वापसी हो चुकी है 17वीं लोकसभा के चुनाव में, लेकिन विपक्ष इन नतीजों को किस तरीके से देख रहा है? क्या वाकई विपक्ष को भी उम्मीद थी कि इस तरीके के नतीजे आएंगे? कम से कम जो बयान अब सामने आ रहे हैं उससे ऐसा नहीं लगता है। आपको दिखा रहे हैं बयान जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमें इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, लोगों ने एक बार फिर मोदी सरकार पर भरोसा किया, कांग्रेस ने कड़ी मेहनत की, प्रियंका के आने से काफी उम्मीद थी, लेकिन अमेठी की सीट को लेकर यहां पर अभी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि ज्यादा वोटों से नहीं हारे हैं। हालांकि जमहूरियत में चेहरे गिने जाते हैं, सिर गिने जाते हैं, और अमेठी कांग्रेस हार चुकी है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने लगातार गलत प्रचार किया, ये भी कह रहे हैं सुशील कुमार शिंदे। हमारे साथ शिंदे साहब हैं। शिंदे साहब, क्या कारण मानते हैं कि कांग्रेस के जो प्रदर्शन है वो इतना खराब रहा? देखिए, ये हमने भी इतना कहीं नहीं सोचा था, बट जिस तरह ये चुनाव हो गया उसमें मुझे लगता है कि देश के जनता ने एक बार फिर एक बार मोदी जी को अपॉर्चुनिटी, देश को बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे दिया, ऐसा लगता है। प्रयास तो हमने बहुत किया, सब पार्टी ने किया, हमारे यूपीए के सभी पार्टी ने प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं आगे बढ़ सके। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो दो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी भी हार हुई है, उसमें से आप एक हैं, क्या कारण मानते हैं आप इसको? नहीं, हमारी तो लड़ाई जो है ये सेक्युलरिज्म वर्सेस रिलीजन और कास्ट के ऊपर थी, तो वही हो गया, लेकिन लोगों ने उसका स्वीकार नहीं किया। लोगों ने स्वीकार किया है कि वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जो पार्टी है उसका स्वीकार किया, और हम सर्वधर्म संभाव की भाषा कर रहे थे, उसका उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बट एक बार उनका स्वीकार करने के बाद वो मान्य करना चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूँ। हमारे कैंडिडेट को, शोलापुर के जो कैंडिडेट है श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी, उनका मैंने अभिनंदन कल किया है। आपने कहा था कि ये आपका आखिरी चुनाव होगा लोकसभा का, इस पर आप कायम है या फिर राज्यसभा में भी जा सकते? नहीं, मैंने तय किया है कि इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजेश मालकर के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई।